क्या आपके बच्चे भी परवल की सब्ज़ी नहीं खाना चाहते और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो आज इस नए तरीके से बना कर के देखिए परवल की सब्ज़ी को तो बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर दौड़ दौड़ कर आपके पीछे भाग भाग कर खाएँगे ये सब्ज़ी परवल की ये सब्ज़ी पनीर की सब्जी को भी फेल कर देगी इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनेगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये सब्जी आज आपको बहुत ही लाजवाब लगेगी तो यमी फूड एंड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो देखिए मैंने ले ली है ये सात से आठ परवल आप परवल की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं तो देखिए मैंने जो परवल ली है ना तो इसे मैं छील लूंगी तो छीलने के लिए हम आज पिलर का यूज नहीं करेंगे सिर्फ चाकू से इसकी ऊपर वाली परत को इस तरह से हटा देंगे और इस तरह से सिर्फ इसके हल्के हल्के छील के उतार लेंगे तो ये देखिए इसकी शाइनी वाली परत उतर चुकी है और अंदर वाली परत देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है तो इसे बस अब मैंने वॉश कर लिया है एक बार इससे क्या होगा कि इसमें जितना भी टुकड़ा है ना ऊपर का निकल जाएगा और अब क्या करेंगे इसमें हम लगाएंगे इस तरह से चीरा चीरा लगा करके इसके अंदर का जो पार्ट है ना उसे हम निकाल देंगे तो ये देखिए इस तरह से इसकी जो बीज है परवल के हम सारे बीजों को बाहर निकाल देंगे तो बस इस तरह से सारे परवल को देखिए खाली कर लीजिए अंदर से देखिए सारे बीज निकाल करके मैंने खाली कर दिए हैं तो ये परवल हमारी रेडी है तो अब इसके लिए बनाते हैं एक स्टफिंग स्टफिंग के लिए मैंने लिया है सौ ग्राम छेना छेने को सिर्फ पानी निकाल दिया है मैंने उसको अच्छे से पानी टान करके निकाल दिया है और ये देखिए सूखा सूखा हमने छेना ले लिया है तो ये सौ ग्राम के लगभग है ये छेना मैंने एक बाउल में डाल दिया और आप ये देख सकते हैं ये नारियल है ये घिसा हुआ नारियल है आप इस डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश नारियल को भी घिस करके ले सकते हैं ये दोनों डालने के बाद अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ तो ये मैंने देखिए आठ से दस काजू को बारीक काट लिया है और ये थोड़ी सी लगभग दस से पंद्रह किसमी से इन्हें भी आधा आधा कर लिया है अब इन दोनों को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और कुछ मसाले ऐड करते हैं तो ले रही हूँ मैं आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच गर्म मसाला और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं एक चम्मच कसूरी मेथी इन सब चीजों को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि परवल में भी नमक का टेस्ट आना चाहिए तो इसके साथ में हम डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च इन सबको डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले छेना और नारियल जो है वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी स्टफिंग अच्छे से तैयार हो जाए तो ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है भरने के लिए तो ये देखिए हमारी परवल भी रेडी है और स्टफिंग भी रेडी है तो अब सबसे पहले क्या करते हैं अब हम परवल में इस स्टफिंग को अच्छे से भर देते हैं इसे हम ज़्यादा ऊपर तक ओवरलोडेड नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसे सेकेंगे ना तो फिर ये बाहर निकलने का डर रहेगा तो इसे अच्छे से दबा दबा कर अंदर में भरें और एक बार जब भर लेना तो इस तरह से देखिए जब इसको भर ले पूरे अच्छे से तो इसकी चम्मच से ऐसे साइड करते हुए किनारे को दबाते हुए परवल को हम अच्छे से दबा देंगे ताकि जो स्टफ़िंग है वो अंदर की ओर अच्छे से सेट हो जाए तो बस ये देखिए हमारी परवल इस तरह से हमें भर करके रेडी कर लेनी है एक और मैं भर कर दिखा देती हूँ आपको तो इसमें स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग डाल करके इसे अच्छे से दबाते हुए भरे ऊपर की ओर स्टफिंग ना रखें नहीं तो क्या होगा कि जब हम तेल में इसे डालेंगे तो ये स्टफ़िंग बाहर की ओर निकल जाएगी तो बस इसी तरह से देखिए हमारी सारी परवल रेडी और ये जो स्टफिंग है ना इसे हम फेंकेंगे अभी हम इसे यूज़ करेंगे ग्रेवी में इसलिए मैंने थोड़ी स्टफिंग बचा ली है तो ये देखिए अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं इस तेल में ही हमारी सब्जी सारी बन जाएगी तो ये देखिए सबसे पहले हम परवल को इसमें सेट कर देते हैं ताकि परवल अच्छे से दोनों तरफ से सिक भी जाए और थोड़ी सी उसमें आधी उबल भी जाए इस तरह से हमें इसे सेक लेना है कि परवल का ऊपरी लेयर अच्छे से सिक जाए और अच्छे से बॉयल भी हो जाए तो बस इस तरह से देखिए परवल को अच्छे से घुमाते फिराते हुए हम सेकेंगे पहले एक साइड में हम सेक करके मीडियम फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये एक लेयर एक तरफ से सीख जाए तो बस देखिए इस तरह से अब मैंने इसे दूसरी तरफ से भी टर्न कर दिया है तो ये देखिए इतनी अच्छी ग्रे देखिए आप देख सकते हैं ना थोड़ी भी ज़्यादा अगर स्टफिंग अगर आप भरेंगे तो ये क्या है परवल बाद में स्टफिंग बाहर निकलने का डर रहता है तो ये लिड लगा दिया है मैंने लिड लगा करके इसे पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर पाँच मिनट बाद एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे सीखना है तो आप देख सकते हैं तेल हमारा ज्यों का त्योह है और परवल हमारी अच्छे से सिक रही है तो बस इसे इसी तरह से सिकने देते हैं ये जब इस इतनी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी जब यह अच्छे से इसकी लेयर सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसे निकालेंगे तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक बड़ा चम्मच मगज के दाने और साथ में लिए हैं एक हरी मिर्च एक इंच अदरक का टुकड़ा और चार से पाँच काजू और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर एक टमाटर बड़ा टमाटर को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इसे पीस करके हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं तो ये देखिए हमारी पेस्ट टोमेटो प्योरी टोमेटो और कैश्यू की जो प्योरी है हमारी वो रेडी हो चुकी है और साथ में मैंने एक बड़े प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है और सात आठ कलियाँ लहसुन की भी काट करके रख ली हैं तो इतनी देर में जितनी देर में अपनी प्योरी हमारी रेडी करेंगे हम उतनी देर में देखिए परवल भी हमारी अच्छे से सीख चुकी है तो अब इन सभी परवल को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में मैंने प्याज और लहसुन को डाल दिया है तो देखिए मैं ये वीडियो बीच में स्किप हो गया था इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई बिल्कुल थोड़ा सा ही वो तेल था और उसी तेल में मैंने प्याज और लहसुन को डाल दिया और अब इसे हम प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे बिल्कुल जब प्याज का अच्छे से कलर चेंज हो जाए एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें आगे का फिर काम करेंगे तो ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में अच्छे से सीख चुकी है प्याज तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले तो मसाले में मैंने डाले आधी चम्मच हल्दी पाउडर वन फोर टी लाल मिर्च का पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर और इसके साथ में डाल दिया है एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून गर्म मसाला इन सभी मसालों को डाल करके एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को इस टाइम बिल्कुल लो रखें लो फ्लेम पर हम मसाले भूनेंगे नहीं तो क्या होगा मसाले हमारे जल जाएंगे तो बस हमें इसे एक मिनट तक ऐसे ही भूनना है और जब ये भून जाए तो उस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे जो टोमेटो प्योर नट की जो हमने प्योरी बनाई थी ना वो प्योरी हम इसमें डाल देंगे ये प्योरी डाल करके अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि जब तक कि इसमें से तेल एकदम रिलीज़ ना हो जाए हमें इसे इतना भूनना है कि कढ़ाई से ये प्योरी छूट जाए एकदम अलग हो जाए और तेल इसमें छूट जाए देख सकते हैं आप कितना अच्छा है इसका भूनने के बाद कलर इसका इतना अच्छा आ चुका है अभी हमें थोड़ी और भूननी है ताकि तेल इसमें से एकदम अलग साइड से दिखे देखिए आप देख सकते हैं ना जितना मैंने तेल डाला तो बिल्कुल साइड से एकदम अच्छे से तेल दिख रहा है तो इस टाइम हमारी प्योरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा ग्लास दूध का दूध से ही इसमें गाढ़ापन भी आएगा और एक टेस्ट भी आएगा और साथ में थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है अब इन दोनों चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हमें जो ग्रेवी बनानी है ना वो बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी बनानी है हमें पतली से नहीं करनी है तो बस इस तरह से देखिए इसे अब चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी ग्रेवी में ये मिक्स हो जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी सही हो जाए अगर आपको लग रही कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए और इस टाइम मैं डाल रही हूँ एक चम्मच शक्कर और नमक स्वाद के अनुसार ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल दें नमक डाल करके और चीनी डाल करके हम इसे मिक्स कर लेंगे चीनी क्या करेगी इसके स्वाद को बैलेंस करेगी जो हमने खट्टा मीठा जो सारा टेस्ट डाला है उसको वो बैलेंस करके बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और बस अब ये जब उबलने लग जाए तो इस टाइम पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करते हुए डालें इससे क्या है कि इसका फ्लेवर फेवर बहुत अच्छा रिलीज होता है तो बस अब इसे हम डाल करके एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ग्रेवी अब रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए तो अभी हम इसमें परवल नहीं डालेंगे इसके प्लेटिंग के टाइम पे हम इसे परवल डालेंगे तो जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए ना तो बस इस टाइम गैस को बंद कर दीजिए और ग्रेवी को रेडी कर लीजिए तो बस अब हम चलिए प्लेटिंग की चलिए तैयारी करते हैं तो ये गैस को मैंने कर दिया है बंद और ये देखिए ये मैंने ले लिया है एक बाउल जिसमें मैं सब्जी सर्व करूँगी उसी बाउल में मैंने परवल को सेट कर दिया तो ये देखिए मैंने पहले तीन परवल या चार परवल की एक लेयर लगाई है और तीन या चार परवल की लेयर लगा करके फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अब ग्रेवी ग्रेवी से हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे पूरी अच्छे से इसे कवर कर देंगे इसको कवर करने के बाद ग्रेवी से अब जो हमने जो मिक्सचर बचा करके रखा था ना स्टफिंग का वो स्टफिंग हम इसके ऊपर थोड़ी डालेंगे ये स्टफ़िंग डालने से जब मुंह में जो काजू किशमिश और ये जो पनीर का फ्लेवर आएगा ना ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसको देगा तो बस ये डालने के बाद वापस से हम इसके ऊपर ये जो बची हुई परवल है वो सेट करेंगे तो आपकी जितनी भी हो परवल आप इसी तरह से लेयर बनाती जाइए और परवल को सेट करते जाइए इससे क्या होगा कि जब आप परवल को सर्व करेंगे तो आप ऊपर से एक एक लेयर परवल उठा करके सर्व कर सकते हैं तो बस इस तरह से फिर इसके ऊपर हम ग्रेवी की एक लेयर लगा देंगे और वापस से जो स्टफिंग है ना वो स्टफिंग की थोड़ी लेयर लगा करके इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती हम बुरक देंगे जिससे देखने में बहुत अच्छी लगेगी और आप बिल्कुल पता भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें परवल है और जब आप इसे खाएंगे ना तो इसमें जो पनीर का और जो कैशू नट का और कोकोनट का जो फ्लेवर आएगा वो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएँ कि रेसिपी आपको कैसे लगी और साथ में अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ में सा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए आप देख सकते हैं परवल कितनी अच्छी लग रही है कितनी अच्छी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गई है ग्रेवी का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा तो इस तरह से आप इसे सर्व करिए इस सब्जी को आप रोटी के साथ चपाती के साथ या फिर चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप देख सकते हैं बनानी भी कितनी आसान थी तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए Peace. <laughs>